दिल्ली के कंस्टिट्यूशन क्लब में फाइट ऑफ नाइट्स द्वारा त्यागराज स्टेडियम में होने वाले मिक्स मार्शल आर्ट प्रतियोगिता फोक फाइट का आयोजन की घोषणा चेयरमैन देवेंद्र प्रताप सिंह द्वारा की गई। आइए सुनते हैं क्या कहा चेयरमैन देवेंद्र प्रताप सिंह ने। 18 दिसंबर 2022 को दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में एक कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। इस कार्यक्रम में देश विदेश के आने वाले बहुत सारे विदेशी बॉक्सर फाइटर्स भी होंगे और साथ में देसी फाइटर्स भी होंगे। तो ये कार्यक्रम दिल्ली में संपन्न होगा 18 दिसंबर 2022। क्या क्या रहेगा इसमें, प्रोग्राम क्या क्या रहेंगे? देखिए प्रोग्राम में अभी जो हम लोगों ने प्लान किया उसमें प्लान ये है कि सबसे पहले हम जो शहीद परिवार है CRPF उन परिवारों का सम्मान करेंगे और सम्मान स्वरूप जो भी उनको राशि दी जाएगी वो उनको दी जाएगी। ये हम लोगों ने ऐड किया है, इससे पहले हमने कभी नहीं कही, फर्स्ट टाइम हम लोग इस कार्यक्रम में करने जा रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्स तो और भी हैं, CRPF से आपका क्या है? CRPF का हमारा इसलिए कि CRPF के ट्रेनर्स लगातार हमको सपोर्ट करते हैं अलग अलग ट्रेनिंग कैंप्स में। साथ ही जो संस्था चल रही है मेरे साथ उनके साथ जो काम करने वाले सभी लोग हैं उसमें मैक्सिमम लोग CRPF से आते हैं जो अपनी नौकरी भी करते हैं और साथ में हमारी संस्था के लिए सुबह से लेकर शाम तक काम भी करते हैं। और जितने बड़े बड़े आयोजन अभी तक हमने किए हैं उसमें CRPF के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, चाहे उनके IG हो, DIG हो और चाहे उनके सिपाही लेवल का व्यक्ति हो, उस सब हमें लगातार काम करें। सामाजिक तौर पर देखा जाए किस तरह का मैसेज दिए संस्था देने जा रही है फाइट के लिए? सबसे पहले तो मैं ऐसा समझता हूँ कि स्पोर्ट्स ऐसा विषय है हमें अपने जीवन में अपनाना ही चाहिए और अगर हम खेल से जुड़े रहते हैं तो जीवन में जो भी बुराइयाँ हैं गलतियाँ हैं आज हमको नशा पूरी तरीके से युवाओं को खेलने का प्रयास करता है और उसका बहुत बड़ा कारण है कि युवा जो है वो निराशा की ओर जा रहे हैं क्योंकि आज इमोशनल बहुत वीक हो रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर हम किसी ना किसी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं और स्पोर्ट्स को हम खेलते हैं तो मुझे लगता है कि आप कभी दिशा भटकेंगे नहीं क्योंकि आप जो व्यक्ति खेल में होता है वो उसको नेतृत्व करना भी आता है, उसको पता है कि हमें टीम वर्क कैसे करना है। तो अगर 11 खिलाड़ी भी अगर हमारी टीम में है और कोई एक अगर किसी गलत स्थिति में जा रहा है तो उसको 10 रोकने का काम करते हैं। तो अगर आप खेल से जुड़े हुए हैं तो निश्चित तौर पर आपका आगे के जो जीवन है वो बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है सर, थैंक यू।